तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर इसकी कैप का कलर हमें चेंज करना हो तो हम किस तरह से इसकी कैप के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी आइटम हो सकता है, शर्ट हो सकती है, जो प्रॉपरली हम उसको चेंज करना चाहते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो कैप का कलर है इसके शर्ट के कलर के मुताबिक कर दिया जाए। हालांकि ये फोटो भी एडिट हुआ हुआ है, तो कोशिश करते हैं इसको करने की। ठीक है, जूम कर लें इसको। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सीखा हुआ है, या लेसर टूल यूज करें, जो भी यूज करें उससे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन अगर प्रॉपरली हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप लेसर टूल ले लें और शिफ्ट के साथ ऐड सिलेक्शन जो हमने लास्ट टाइम सीखा था उसके साथ उस सिलेक्शन को दोबारा से इम्प्रूव कर लें, मतलब जो एरिया रह गए हैं उनको थोड़ा सा अप्लाई करें। तो प्रॉपरली जब सिलेक्शन आपका हो जाए तो इसको कंट्रोल जे करेंगे तो वो कैप अलग से लेयर पर आ जाएगा। देन आपने करना ये है कि इस पे क्लिक करके इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके डीसेचुरेट कर देना है इसको। जैसे ही डीसेचुरेट करेंगे तो जो इस कैप का कलर है, जो भी कलर होगा वो खत्म हो जाएगा और ये जैसे एक ग्रे कलर में आ जाएगा, मतलब नो कलर। जैसे आपने देखा होगा अक्सर दीवार पे नया कलर लगाते हैं तो पहले एक कलर उसका उतार देते हैं, फिर एक और कलर लगाते हैं ताकि वो नया कलर एब्जॉर्ब कर सके, वरना अगर उसी कलर पे दूसरा कलर लगाएंगे तो वो फिर दूसरा शेड उसके ऊपर आ जाएगा। तो डीसेचुरेट करने के बाद यहाँ पे रख के आपने कंट्रोल का बटन फिर से होल्ड करना है, क्लिक कर देना है और वो कैप का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो अब अलग ही ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाके आपने सॉलिड कलर लगा देना है और जो कलर हम चाह रहे थे, जैसे इसकी शर्ट का कलर चाह रहे थे तो नीचे आके इसकी शर्ट के कलर को हमें चूज कर लेना है। या एक मिनट ठहरिए, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं ताकि दोनों चीज़ें मुझे नज़र आ जाए। क्लिक करके मैंने सॉलिड कलर लिया और इसकी शर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये शर्ट का कलर इस पे अप्लाई हो गया। अब कलर बहुत ज़्यादा मैच नहीं हो रहा, वो अलग ही लग रहा है, कैप पे तो पता नहीं चल रहा। तो अब यहाँ पे क्लिक करके कलर मोड हम अपना चेंज करेंगे और यहाँ पे दो कलर मोड आपको हेल्प करेंगे, कलर और दूसरा है मल्टीप्लाई। ठीक है, या और भी देखें, कलर ब्लेंड मोड, डार्केन, मल्टीप्लाई, जैसा आपको सही लग रहा है, जिस पे लीनियर बर्न है, जिस पर ये आपको कलर सही दे रहा है वो आप इस पर लगा दें। जैसे विविड लाइट है और लीनियर लाइट है या फिर कलर मॉड है, जो कलर आपको सही लग रहा है, जैसे मल्टीप्लाई पे सही लग रहा है तो मल्टीप्लाई दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लिक करके अब थोड़ा सा आप इसके ऊपर और काम करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लें। ये जो एजेस आप देख रहे हैं थोड़े से इसके नहीं हो पाए, शायद पिक्चर ज़्यादा पिक्सेलेटेड थी, तो इस मास्क पे क्लिक करके आप अपना ब्रश लेंगे। ब्रश में याद रखें के ब्रश के लिए आपने यहाँ से इसका वही वाला ब्रश ले लेना है, शुरू वाला, और ऑपेसिटी और फ्लो देख लें इसका, और ब्लैक फॉर हाइट, वाइट फॉर रिवील। मास पे क्लिक करके जिस हिस्से पर आप ब्लैक वाला लगाएंगे तो वो हाइड करेगा जो फिल्टर कलर है, और वाइट कलर लगाएंगे तो वो उसको रिवील करेगा। ये देखिए, मैं ब्रश को थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप कि आप थोड़ी सी लाइट डालने के लिए, इस पे चमक डालने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और इफेक्ट लेंगे जिसका नाम है लेवल्स। लेवल्स पे क्लिक करके आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, इससे ये होगा कि सिर्फ एडजस्टमेंट इफेक्ट उसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगे जिस पे हम डालना चाह रहे हैं, वरना पूरी लेयर पे पड़ेंगे। देखें, अगर मैं क्लिक नहीं करता हूँ तो ये लेवल्स थिंक सो ये सही नहीं खुला, एक मिनट जरा डिलीट कर देता हूँ उसको। मैं क्लिक किया,
लेवल्स, अब आया ये। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और यहां से मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। इसको नीचे ले आते हैं, तो यहां से देखिए, ठीक है, और यहां से देखिए कितना लाइट कितना डार्क इफेक्ट डालना है इस पे। ठीक, ये जरा सही लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपरली हमने इसका कैप का कलर चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू इसकी शर्ट के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि हम इसकी शर्ट के मुताबिक कर सकते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करते हैं और कलर्स को अब यहाँ से हम वेरिएशन में डालना शुरू करेंगे और उसको सही है, समझ में आई।